उत्तराखंड की प्रलय से जो भी बचकर आया है हर किसी की आपबीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसी ही कुछ दिल दहला देने वाली दास्तान यूपी के चंदौली में रहने वाले 22 लोगों की है। उत्तर प्रदेश के चंदौली के इस परिवार के लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अपने रिश्तेदारों से घिरी ये बुजुर्ग मौत को मात देकर केदार घाटी से लौट कर आई है, लेकिन इन्होंने केदारनाथ में जो भयावह नजारा देखा उससे अभी भी खौफजदा हैं। दरअसल उर्मिला पाठक नाम की ये बुजुर्ग तो तबाही में बच गए, लेकिन इनके बाकी साथी इनसे जुदा हो गए। हम लोग वही भीगे कपड़ा पहने हुए थे, उसी वजह से 48 उसमें आदमी मरे पड़े थे, वहीं पर रजाई फेंकी गई थी, भींगी रजाई खींचे तो उनसे पैर आ जाता था हाथ में, फिर जो सौ पड़ी थी उसका हाथ आ जाता। ऐसी खुशकिस्मत कुसुमवती भी, 54 लोगों के जत्थे के साथ चार धाम यात्रा को निकली कुसुमवती। कुल 21 लोगों के साथ ही घर लौट पाई, बाकी 32 लोगों को उन्होंने आंखों के सामने बहते देखा। कुसुमवती के मुताबिक वो कई दिनों तक केदारनाथ में भूखी प्यासी शवों के बीच रही। जैसे कि खिड़की है, और खिड़की से भी पानी पास करके बालू पानी चट्टान सब आ गया हम लोग के देखकर।